Hello students. Good morning. How are you? Hope you all are fine. Students, uh, today we will start our computer uh, from part 3 regarding window and your chapter 4. Okay. When you switch on the computer, window starts automatically. You will see the main screen of window. It is called the desktop. Okay. वेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर जब भी, भी आप कंप्यूटर स्विच ऑन करेंगे आपका कुछ काम करने के लिए विंडोज स्टार्ट ऑटोमेटिकली विंडोज के लिए स्पेशली आपको कोई प्रोग्राम के अंदर जाना नहीं है इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली यू विल सी द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज इट इज कॉल्ड डेस्क टॉप जब कोई कंप्लीटली ओपन हो जाएगा यू विल सी द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज विंडोज का मेन स्क्रीन आप देखेंगे इट इज कॉल्ड द डेस्क टॉप ओके इट इज कॉल्ड योर डेस्कटॉप। ए स्मॉल पिक्चर्स डेट यू सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स जो छोटा छोटा पिक्चर्स रहता है अपने डेस्कटॉप के ऊपर उसको अपन स्टूडेंट्स क्या कहेंगे द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू सी ऑन द डेस्टॉप आर कॉल्ड आइकन्स इसको आइकन्स कहेंगे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज आइकन अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसके आंसर में लिखेंगे द स्मॉल पिक्चर्स यू कैन सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स ईच आइकन रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम इन विंडो जितने भी स्मॉल पिक्चर्स रहेंगे ईच आइकन हर कोई जो आइकन रहता है रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम इन विंडोज विंडोज के अंदर अपना जितना भी प्रोग्राम स्टूडेंट्स रहते हैं वो हर कोई आइकन अपना अपना प्रोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं सब मिक्स में नहीं आया हर कोई प्रोग्राम का अलग अलग, अलग आइकन रहती है हाउ एवर डिपेंडिंग ऑन हाउ योर कंप्यूटर इज सेटअप पर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आपके कंप्यूटर को कैसे सेटअप किया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है तो एक चीज तो कन्फर्म है कि हर कोई का जो आइकन रहती है छोटा छोटा हर कोई प्रोग्राम अलग अलग रहती है इट रिप्रेजेंट्स सेपरेट प्रोग्राम बट इट इज डिपेंडिंग ऑन हाउ पर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ट योर कंप्यूटर इज सेटअप द आइकन एन द डेस्कटॉप माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दो इन द इलास्ट्रेशन ये जो अपने इलास्ट्रेशन तो वो आइकन जो है समथिंग डिफरेंस हो सकती है आपकी सेटअप के ऊपर डिपेंड करती है द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार आपकी जो डेस्क टॉप के पास बार जो रहती है वो बॉटम में जो रहती है उसको हम क्या कहेंगे टास्क बार Then यहाँ पे क्वेश्चन आती है स्टूडेंट्स व्हाट इज टास्क बार दार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार उसको क्या कहेंगे टास्क बार कहेंगे टू द राइट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द टाइम एंड डेट अब राइट ऑफ द टास्क बार जो रहती है उसमें आपके टाइम और डेट दोनों आपको कंप्यूटर बताएगा आज कौन सा तारीख है और कितने टाइम पे आप बजाए कितने बजे कंप्यूटर स्टार्ट किए टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द स्टार्ट बटन ये देखिए लेफ्ट में जो है वो आपके स्टार्ट बटन है यहाँ पे द लेफ्ट हाँ टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द स्टार्ट बटन इफ यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू विल सी द स्टार्ट मेनू अगर आप जाकर स्टार्ट बटन पे क्लिक किए अपने माउस से वहां पर जाकर आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि स्टार्ट बटन यू विल सी द स्टार्ट मेनू स्टार्ट मेनू हो जाएगा मेनू ए मेनू इज ए लिस्ट ऑफ टूल्स और कमांड्स दैट हेल्प यू टू वर्क इन विंडो प्रोग्राम व्हाट इज मेनू अगर क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा कि स्टूडेंट्स मेनू क्या होता है तो आपको क्या कहना है ए मेन्यू इज ए लिस्ट ऑफ टूल्स और कमांड्स मेन्यू जो होता है एक टूल्स या कमांड का लिस्ट है दट हेल्प यू वो आपको विंडोज में प्रोग्राम्स के अंदर काम करने के लिए हेल्प करता है द टास्क बार ये देखिए स्टार्टिंग बटन स्टार्ट बटन एंड मिडिल सेशन द टास्क बार आज यू नो इज द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन टास्क बार जो होता है वो लॉन्ग बार वो सबसे लंबा बार होता है स्क्रीन के ऊपर इट एज थ्री मेन सेशंस उसकी थ्री सेक्शंस होती है इसकी तीन मेन सेक्शंस होती है वन द स्टार्ट बटन सेकंड द मिडिल सेक्शन थर्ड नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार जो होता है बेटा वो स्टूडेंट्स ओ लॉन्ग बार होता है और उसका तीन सेक्शन है थ्री मेन सेशंस नंबर वन द स्टार्ट बटन द मिडिल सेक्शन द नोटिफिकेशन एरिया अभी स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ेंगे द स्टार्ट बटन क्या हुआ वेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू विल सी द स्टार्ट मेनू जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब आप स्टार्ट मेन्यू ऑब्जर्व करेंगे वो देख लेंगे द मिडिल सेक्शन इट शोस ऑल द प्रोग्राम्स फोल्डर्स एंड फाइल्स यू हैव ओपन मिडिल सेशन जो है स्टूडेंट्स ये जो shows, वो क्या बताएगा ऑल द प्रोग्राम्स सभी प्रोग्राम फोल्डर्स एंड फाइल्स प्रोग्राम्स फोल्डर एंड फाइल्स यू हैव ओपन आपने क्या क्या ओपन किया है व्हेनेवर यू ओपन ए प्रोग्राम फोल्डर और फाइल वंडो शो इट्स आइकन बटन ऑन द टास्क बार जब भी, भी आप कोई भी प्रोग्राम फोल्डर या फाइल कोई भी ओपन करेंगे वंडो शोस विंडोज में दिखाई देगा इट्स आइकन बटन उसका जो आइकन बटन छोटा सा रहता है डेस्कटॉप के ऊपर वो दिखाई देगा ऑन द टास्क बार इन दिस पिक्चर फाइव प्रोग्राम सर ओपन ये जो पिक्चर दिया गया स्टूडेंट से वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव प्रोग्राम्स जो है ये ओपन है एंड ईच हैज इट्स ओन आइकन बटन ऑन द टास्क बार बार ये टास्क के ऊपर ईच हैज मतलब हर कोई प्रोग्राम का अपना अपना आइकन बटन है नहीं है, हर कोई प्रोग्राम का अपना अपना आइकन बटन है द आइकन बटन ऑफ द एक्टिव विंडो द विंडो इन विच यू आर वर्किंग नाउ मतलब द एक्टिव बटन इन विंडो द विंडो मतलब जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो इज हाइलाइटेड और हाइलाइटेड होता रहता है टू ओपन टू ओपन अनादर विंडो क्लिक ऑन इट्स आइकन बटन ऑन टास्क बार अगर ये तो एक जो आइकन बटन आपको दिखाई देगा आप जिसमें काम कर रहे हो वो काम करते हुए अगर आप दूसरा किसी में काम करना टू ओपन अनादर विंडो आप अगर दूसरा किसी में देखना चाहते हो काम करना चाहते हो स्टूडेंट्स देन क्लिक ऑन इट्स आइकन बटन ऑन द टास्क बार टास्क बार के ऊपर वो जो आइकन बटन होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा और स्टूडेंट जो प्रोग्राम आप चाहते हो देखने के लिए वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगी यू क्लिक ऑन ऑन मिनिमाइज बटन द टाइटल बार ऑफ ए विंडो वहां पे ऊपर मिनिमाइज बटन आती है वेन यू विल क्लिक द मिनिमाइज बटन ऑन द टाइटल बार ऑफ ए विंडो इट फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड यू कैन सी इट्स आइकन बटन ट जो देखिए आप अगर उसको मिनिमाइज करेंगे दूसरा कोई प्रोग्राम दूसरा कोई आइकन में आप ओपन करना चाहेंगे तो क्या होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा वो डेस्कटॉप के ऊपर से चला जाएगा वो क्या होगा एंड यू कैन सी डेस्कटॉप के ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा यू कैन सी इट्स ओनली आइकन जो आइकन से छोटा सा रहेगा जो बटन में बोला था इट्स आइकन बॉटम ऑन द टास्क बार टास्क बार के ऊपर आपको वो चीज़ वहां पे दिखाई देगी टू सी विंडो अगेन जस्ट क्लिक ऑन इट्स आयकन बटन ऑन द टास्क बार अगर वही प्रोग्राम में फिर से जाना है आपको उसी में ही आपको काम करना है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप फिर से जो छोटा सा आइकन टास्क बार के ऊपर होगी उसके ऊपर जाके अगर आप क्लिक कर देंगे फिर से वो अपेयर हो जाएगा आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर वो प्रोग्राम आ जाएगा यू कैन सी द स्मॉलेस्ट वर्सन ऑफ द विंडो वेन यू मूव द टास्क बार वेन यू मूव योर माउस पॉइंट टू ए टास्क बटन यू कैन सी ए स्मॉलर वर्जन ऑफ उंडो जब आपके माउस पॉइंटर को टास्पर के ऊपर घुमाएंगे यू कैन सी ए स्मॉलर वर्जन छोटा सा वर्जन जो उंडो का होता है उस चीज का आप देख सकते हैं ओके स्टूडेंट्स हियर वी विल स्टॉप आवर चैप्टर एंड नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट फोर टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर